नमस्कार, मैं हर्षिता प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज। पतित पावनी गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए श्रद्धा का मूल केंद्र है। खासकर श्रावण के महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा में डुबकी लगाने के लिए, अपने पाप धोने के लिए और बढ़ जाती है। गंगा माता धरती पर मनुष्यों के पाप धोने के लिए अवतरित हुई थी, लेकिन हम मनुष्यों ने गंगा माता को ही दूषित कर रखा है। आइए भागलपुर से आई ये तस्वीरें देखते हैं। भागलपुर श्रद्धालु पतित पावनी गंगा नदी से गंगा जल लेकर जल भरकर बरारी सीढ़ी घाट से गोड्डा धनकुंड बासुकीनाथ गोनू धाम के साथ साथ कई शिवालयों में जलाभिषेक करने जाते हैं। लेकिन भागलपुर से एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें नगर निगम की उदासीनता आपको साफ तौर पर सामने देखने को मिलेगी। पतित पावनी गंगा में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद मंत्र उच्चारण के बाद जल भरते हैं और गोड्डा धनकुंड बासुकीनाथ गोनू धाम जैसे तीर्थ स्थल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन काफी दुख की बात यह है कि उन श्रद्धालुओं को गंदे गटर वाले नाली के पानी से गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी श्रद्धा काफी धूमिल हो रही है। इस पर ना तो नगर निगम ध्यान दे रही है और ना ही जिला प्रशासन। अब सवाल यह उठता है कि धर्म की पवित्रता पर लगाम लगाने को लेकर यह खिलवाड़ आखिर कब बंद होगा? ऐसी कुव्यवस्था को देखकर दूर दूर से आए श्रद्धालु काफी दुखी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर नगर निगम और जिला प्रशासन थोड़ा भी ध्यान दे दे तो जलाभिषेक करने जा रहे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं जब सड़कों और घाटों का हाल देखा जाए तो यह बद से बदतर थी। ना ही सफाई देखी गई और ना ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव ही था। नाला का पानी में शुद्धिकरण हो रहा है, बम लोग का नाला का पानी बह रहा है। बिहार सरकार का भी वही हाल है, जो सोचे नहीं थे उससे भी गंदा हाल है। कहाँ से आए बम? हम तो आए झारखंड से, दुमका जिला से। दुमका जिला का भी वही हाल, इधर का भी वही हाल। कहाँ जा रहा है? वही बासु बाबा बासुकीनाथ। परेशानी हो रही है नाले के पानी से गुजर। बहुत परेशानी है। अब शुद्धिकरण आदमी को स्नान करना पड़ता है कोई भी गंदगी चीज छूने से, और इस नाली के पानी में डुबकी लगा के हम लोग को जाना पड़ रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा शुभ नाम हुआ नितिन मुकेश कुमार बहरा, दुमका जिला। अभी तो नगर निगम को तो एक्शन लेना चाहिए कि बम लोग इतना मेहनत से गंगा जल लेके जा रहा है, अशुद्ध होते हुए जा रहा है। सब कौन सा पानी है ये? एकदम पूरा एकदम गदर का पानी है, एकदम पैखाना पेशाब सब रहता है इसमें। बहुत तकलीफ होता है, कोई नहीं सुनता है। देखने के लिए नहीं आता है, मेयर भी जो बनी है वो भी नहीं आता है देखने के लिए। तब गंगा जल शुद्ध होके जाता है, अशुद्ध हो जा रहा है लोग। मेरा नाम पप्पू तिवारी। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए देसवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देसवा न्यूज का मकसद नहीं, देसवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।